मैं ममता जी की जेल में से बोल रहा हूँ। आज बंगाल के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से आक्रामक तरीके से आंदोलन किया, बंगाल में प्रजातंत्र की प्रतिदिन हत्या हो रही है और उसके खिलाफ जन आक्रोश था। आज लगभग 1,00,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने आज पूरे कलकत्ता को घेर कर इस प्रजातंत्र बचाओ ममता हटाओ इस नारे के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया। बहुत भीषण लाठीचार्ज हुआ, हजारों कार्यकर्ता घायल हुए हैं और आज फिर प्रजातंत्र की हत्या हुई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का खून बहा है वो प्रजातंत्र को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हम इस तानाशाहीपूर्ण चलने वाली सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम ममता जी की जेल के अंदर से बोल रहे हैं, हम सब लोग गिरफ्तार हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाकी सब लोग भी गिरफ्तार हैं, पर आप देख रहे हैं बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके यहाँ पर ममता जी की जेल में रखा गया है। हम इस जेल से बोल रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं का जोश देखकर कि आने वाले समय में जब भी लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत मिलेगा, ये मेरा विश्वास है।